आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में खनन माफियाओं द्वारा कराए जा रहे अवैध भूमि खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। यह वीडियो शहर से लगे दो अलग अलग स्थानों में खनन होने का दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि खनन माफिया नदी और पहाड़ को ठहाने के बाद अब धरती का सीना छलनी करने पर आमादा है, जिनके द्वारा भूमि का खनन कर मिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि रीवा में भूमि के अवैध खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि चोरी छिपे रात के अंधेरे में अवैध उत्खनन का काम किया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसके इशारे में अवैध खनन का काम किया जा रहा है? क्या इस खनन की जिला प्रशासन से अनुमति ली गई है? क्या नियमों और मापदंडों के अनुसार ही खनन किया जा रहा है? इस तरह के तमाम सवाल है जो इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो शहर से लगे चोराटा थाना क्षेत्र के अजगरहा बाईपास और किटवरिया स्थित बीहर नदी के किनारे का है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इसे संज्ञान में लेता है या फिर नहीं। टोल पे बैठे हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी खुदवा रहे हैं। आप बात कर लीजिए, पूरी डिटेल से अगर लेना है तो उनसे बात करें। आप क्या नाम बताए अपना? मेरा नाम आपका क्या नाम है? किसके कहने पर खोद रहे हैं? सुपरवाइजर के कहने। सुपरवाइजर काहे के सुपरवाइजर? हमारा सुपरवाइजर है अधिकारी। पार्थ इंडिया के? हाँ। अच्छा, पार्थ इंडिया वाले खुदवा रहे हैं? हाँ, उन्हीं के। अब मैं दूर है तो क्या करें? तो वो तो जो खोदेंगे वो तो कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी, आप कह रहे हैं पार्थ इंडिया। तो ये तो 2.5 फुट से ज़्यादा नियम ही नहीं है खोदने का, तो आप लोग कैसे खोद रहे हुए? नहीं तो ये किसके आदेश से कर रहे हैं? किस अधिकारी के आदेश से कर रहे हैं? खनिज विभाग का कोई अधिकारी ने आदेश किया है आपको? नहीं तो कौन अधिकारी आदेश किया? आदेश है आपके पास? बीएस मिश्रा टोल प्लाजा के अधिकारी हैं। आप तो अभी कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी के कोई अधिकारी? तो उन्हीं से बात कर लीजिएगा तो वो सब बता देंगे आपको। हमको पूरी जानकारी नहीं है ना कहाँ से क्या। अच्छा अच्छा, ये मशीन किसकी है भैया? मशीन किसकी है? नहीं, वहाँ कहाँ नाम लिखा है? मालिक का नाम लिखा है? कहाँ लिखा है? हैं, आपका नाम क्या है? बता दिए विनोद साहब। कितने बार विनोद साहब? कब से खोद रहे हो? तो बाईपास का पूरा किनारा आपने खोद डाला यहाँ से वहाँ तक। ये अवैध खनन है ये? कुछ भी खनन हो उसे क्या लेना देना? नहीं, लेना देना क्यों नहीं है? खुदाई आप कर रहे हो? खुदाई कर रहे हैं तो आपको मजदूरी मिलता है जब ना खुदाई करते हैं। नहीं तो ये अवैध है, आपको मालूम है? 2.5 फीट से ज्यादा आप जमीन नहीं खोद सकते। हमको जो बोलेंगे वही ना करेंगे। अच्छा अच्छा, उनका अवैध हो क्या भी हो, आप मोटरसाइकिल चलाएंगे? हम कहीं ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है, इसके अंदर अंदर की मिट्टी निकाल रहे ताकि पानी का ये रुकाव नहीं। मिट्टी 2.5 फीट की ओर काफी गहरे गांव में 2.5 फीट से ज्यादा। ये आप लोगों ने क्या कभी ध्यान दिया कि गांव में घुस रहा है, शहर में पानी नहीं? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना आप। 2.5 फीट से ज्यादा आपको किसने दिया है पावर खोदने का जमीन को? ये जो ब्रिज के अंदर की जो जमीन है, अरे वहाँ भी खोदे हैं आप? पूरा बाईपास का किनारा खोद डाले हैं? मैंने नहीं खोदा। किसने खोदा? अब क्या जानू इस बाईपास? नहीं तो ये कितना है? 20 फीट है। 20 फीट गहराई खोदने के लिए किस अधिकारी ने आपको परमिशन दिया है भाई? ये आप हमारे टोल मैनेजर है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं उनसे, वो सारी डिटेल से आपसे बात। मानो कुल मिला के टोल वाले पार्थ इंडिया वाले खुदवा रहे हैं, है ना? ये मैं नहीं कह सकता। नहीं आप उनसे जानकारी। टोल प्लाजा तो उन्हीं का है ना? हमको जो है तो यहाँ भेजेंगे,
मेरे को बताया कि ये ब्रिज के अंदर की ये जो है तो जो मिट्टी जो पानी रुकता है नहीं, ये पूरा ये तो बाईपास के किनारा भी मैं लेता हूँ, ये बाईपास का पूरा किनारा ये खोद रहे हो आप लोग? नहीं, वहाँ कहीं नहीं जा रहा। नहीं, वो उधर पूरा खुदा हुआ है ना? खुदा है ही नहीं। अरे पूरा किनारे किनारे मैं अभी देख लेता हूँ ना, ये तो आप लोगों ने जंगल राज कायम कर रखा है। पूरा जो है बाईपास का किनारा, ये पूरा बाईपास का किनारा ये है, ये पार्थ इंडिया वाले खोद रहे हैं, किसी भी खनिज अधिकारी की अनुमति नहीं है। ये पूरी तरह पूर्णतः अवैध खनन हो रहा है।